हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ नाजिश यादर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाजिश अकेडमी पर आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एच एस एस सी ने नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिजिटी ग्रुप सी सर्विसेज तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं स्क्रीन पर आपको इसका पीडीएफ दिख रहा होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डेट ऑफ पब्लिकेशन इस नोटिफिकेशन का ट्वेंटी सितंबर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड इसे अप्लाई करने का डेट है फिफ्थ अक्टूबर 2022 तो अभी ये अप्लाई करना शुरू नहीं किया गया है जैसे ही इसे अप्लाई करना शुरू किया जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें तो अब हम चलिए क्लोजिंग डेट की बात करते हैं क्लोजिंग डेट है ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड क्लोजिंग डेट फॉर डिपोजिट ऑफ फी है ट्वेंटी टू अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई गई नोटिफिकेशन में क्यूंकि नोटिफिकेशन काफीफिकेशल का तो बना हुआ है कंटेंट्स का कौन -कौन से पेज पर किस के बारे में डिटेल से बात की गई है ये सारी चीजें इस टेबल में बताई गई है तो हम चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हम बात करेंगे इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेडी वन डिजिटी पोस्ट of group c services mentioned below under para 6 through the url address that is a and from 5th october 2022 to 26th october 2022 till 11:59 pm thereafter website link will be disabled maine jaisa ki aapko bataya hai ki iska apply karne ka last date and starting date kya hai yahi cheez yahan pe batayi gayi hai and isme total vacancy hai 7471 and post at tgt तो ये बताया गया था आपको ग्रुप सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन है ऑनलाइन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दट फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन के क्लोजिंग डेट के बाद नो चेंज नो करेक्शन नोटिफिकेशन कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में तो वो भी अपनी कर सकते हो तो इसीलिए आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने सारे डिटेल्स करेक्ट फिल किए हैं कि नहीं एंड इसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है एच एंड यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वाइल अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस किस चीज का डिटेल्स देना है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा तो चलिए हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे एलिजिबिलिटी हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन और हायर सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम एच टेट कहते हैं स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ए स्टेट भी ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट अप्लाइड कंडक्टेड बाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भेवानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है नीचे हर एक पोस्ट के लिए एंड एज लिमिट है इसका 18 टू 42 टू ईयर्स मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 42 टू ईयर्स है पे स्केल है इसका 9,300 टू 34,800 विद अ ग्रेड पे ऑफ रुपीज फोर एंड देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट दी हुई है किसमें कितनी वैकेंसीज है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे बताई हुई है देखिए टीजी टी इंग्लिश में है टोटल वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन टीजी टी होम साइंस में सेवेंटी थ्री टीजी टी म्यूजिक में है टेन टीजी टी फिजिकल एजुकेशन में एट हंड्रेड ट्वेंटी वन एंड टीजीटी आर्ट्स में है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री एंड कैटेगरी वाइज बताया हुआ है जनरल में कितना एससी में कितना बीसीए में डब्ल्यू एस में कितना ये आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से एंड यहाँ पर देखिए टीजीटी संस्कृत में है सेवन हंड्रेड फोर्टीन टीजी साइंस में टोटल वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी सेवन टीजी उर्दू में ट्वेंटी वन ये जो डिटेल्स था पोस्ट का ये है पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ रेस्ट ऑफ़ हरियाणा तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन का देखिए टी जी टी इंग्लिश आर ओ एच मदरेस्ट ऑफ हरियाणा में क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो देखिए बैचलर्स डिग्री फ्राम रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश एज कम्पल्सरी और इलेक्टिव और कोर ऑफ ऑनर सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बी टी सी जे बी टी डी एड डिप्लोमा इन एजुकेशन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और और करके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फिर देखिए फोर ईयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद एट लिस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट और फोर ईयर्स इंटीग्रेटेड बी ए बी एड विद एट लिस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट फिर आपको क्वालिफाइंग करना है एच डेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी एक इसमें क्राइटेरिया है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे फिर देखिए नेक्स्ट है टीजीटी होम साइंस के लिए रेस्ट ऑफ हरियाणा इसमें टोटल वैकेंसीज है एंड एंड होम साइंस ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और भी करके इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी होम साइंस विद एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स एंड वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी एंड बी होम साइंस विद एटलीस्ट फोर्टी मार्क्स एंड वन ईयर बी इन अकॉर्डेंस विद द एनसी रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड इसमें भी देखिए एस्टेट और एस्टेट आपको क्वालिफाइड होना होगा एंड मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और ट्वेल्थ बी एम ए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अब देखिये टीजी टी म्यूजिक में क्या क्वालिफिकेशन है इसमें है बी एंड टू ईर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बी ए विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी ए विद एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स एंड वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी एड इन अकॉर्डेंस विदी टी रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस एंड इसमें भी देखिए आपको स्टेट एंड स्टेट मांगेगा हर किसी में आपको ए स्टेट एंड स्टेट मांगेगा वो आपको क्वालिफाइड होना तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं फिर देखिए नेक्स्ट है टीजी टी फिजिकल एजुकेशन के लिए इसमें ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्वल फ्राम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और ट्वेल्थ बी ए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें भी स्टेट एंड स्टेट मांगेगा वो भी है फिर देखिए नेक्स्ट है टीजी टी आर्ट्स के लिए बी एफ ए और बी एंड टू ईयर्स डिप्लोमा एजुकेशन बी एफ एटलीयर बी एड फिर है बी एस सी एंड टू ईर डीएलस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड वन ईयर बी एड बी एस सी विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड वन ईयर बी एड स्पेशल एजुकेशन एंड इन केस ऑफ बी एस सी अ कम्बिनेशन ऑफ अटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग जबकि आपका हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी मैथमेटिक्स नोट में देखिए बताया गया इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मैंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर टू सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स इन केस ऑफ बी एड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी फिर देखिए नेक्स्ट एटीजिटी उर्दू जिसमें ट्वेंटी वन वैकेंसी है बी ए विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन उर्दू

TGT टी उर्दू में है हंड्रेड टी जी टी साइंस में है टू हंड्रेड थर्टी फोर टी जी टी मैथमेटिक्स में है नाइनटी थ्री टी जी टी म्यूजिक में है वन टी जी टी फिजिकल एजुकेशन में है टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स टी जी आर्ट्स में टू हंड्रेडिक्सटी टी जी टी सोशल स्टडीज़ में एटी थ्री एंड टी जी टी होम साइंस में है सिक्स वैकेंसीज अब इसके भी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम तो देखिए टी जी टी हिंदी है एम डब्ल्यू टी बी ए विद एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड टू ईर डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन एंड इसमें भी वही बात की गई है जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे रेस्ट ऑफ हरियाणा के एजुकेशन के लिए एंड यहाँ पर भी आपको चाहिए स्टेट एंड एचेट फिर देखिए संस्कृत में बी ए विदिफ्टी परसेंट मार्क्स इन संस्कृत डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन फिर एटीजी बी ए विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन उर्दू एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बी ए विद एटली फिफ्टी परसेंट मार्क्स एज वे एज इन उर्दू एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड वन ईयर बी एड फिर नेक्स्ट एटीजी साइंस बी एस सी एंड टू ईर डिप्लोमा इन एलेंट्र एजुकेशन तो देखिए इसी तरह से सारी क्वालिफिकेशन बताई हुई है लगभग सभी सेम है जैसा कि अमरिस्ट ऑफ हरियाणा में बात कर रहे थे वैसा ही एम में है तो आप देख लीजिएगा काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है यू नो फिफ्टी वन पेजेस का नोटिफिकेशन है ये तो देखिए यहाँ तक लास्ट था जो कि था हमारा टी जी टी होम साइंस जिसमें सिक्स वैकेंसीज़ है तो इसमें भी वही है बी एस सी होम साइंस एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बी एस सी होम साइंस विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड वन ईयर बी एड एंड इसमें भी स्टेट एंड स्टेट तो मांगेगा ही बिल्कुल तो चलिए हम बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस फॉर सोशल इकोनॉमिक विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर अक्वायरिंग दसेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ सैलरी ऑफ द कंसर्न पोस्ट एंड द एक्सपीरियंस मस्ट बी कॉन्टरसाइंड बाई द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अब हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ फी की इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या फी है कैटेगरी ऑफ पोस्ट तो जो कैटेगरी नंबर है वन टू एटीन इसमें है जनरल फीमेल और मेल के लिए 150 एंड फीमेल जो कि हरियाणा रेसिडेंट हैं उनके लिए 75 एंड एस बीसी बी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट मेल के लिए 35 फीमेल के लिए 18 एंड पी डब्ल्यू डी पर्सन विद डिसबिलिटी एक सर्विस मैन ऑफ हरियाणा इनके लिए नो no चार्जेस इन्हें फी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की ये टोटल हंड्रेड मार्क्स का होगा एंड सब्जेक्ट में है रिटर्न एग्जामिनेशन

यहाँ पर देखिए सारे ड्रिल्स दी हुई है आप देख लीजिएगा वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं सिर्फ जनरल रिक्वायरमेंट आपको बता दे रही हूँ एन एक्शन वन में देखिए जो कि फोर्टी पेज नंबर बात की गई है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट वो आप देख लीजिएगा एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है देखिए पेज नंबर फोर्टी सेवन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट इस्कूल एनएक्शन डी वन में बात की गई है तो ये आप देख लीजिएगा मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता दिया है गाइज एंड मैं इस पी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्रेंड्स एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ